मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जो कैलेंडर है उसे सनातन के हिसाब से कर दिया जाए, ताकि हमारे सनातनी भाई है जो कि कल तक दोपहर तक जो ज्ञान दे रहे थे कि हमारा जो नव वर्ष है मार्च में होगा, वो कल रात को डीजे के धुन पे नाच रहे थे डग 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 डग, हाथ में जाम लिए होते गटा गट पैक चला रहे थे जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी उठेंगे तो फिर ज्ञान खोदना चालू करेंगे, लेकिन तब तक देश के अंदर शांति है, क्योंकि ये जो ज्ञान देने वाले कल तक ये कह रहे थे कि हमारा नया साल हम 1 जनवरी नहीं मनाएंगे, वही कल सड़कों पर उतर उतर के नंगा नाच कर नाचे हैं। यही दोगलापन इस देश को खत्म करते जा रहा है। एक तरफ आप कहोगे कि हम नहीं मनाएंगे और दूसरी तरफ शाम को नंगा नाच करोगे। बियर का बोतल इतना पी लिया है कि अभी तक उठे नहीं है, घर वाले परेशान हैं वो अलग। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बच्ची को ना लंबी उम्र दे, हो सके तो इस बच्ची को मेरी भी उम्र दे, क्योंकि इस बिटिया का जिंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत और हमारे देश में जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है, उसके सामने हम लोगों ने मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ इस बच्ची के जिंदा वाले ऊपरी ताकत को, भगवान को, अल्लाह को मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक माध्यम बनाया मुझे और ये शुभ कार्य मेरे हाथों से आप लोगों के माध्यम से करवाया। उसके लिए मैं इस ऊपर वाले परवरदिगार अल्लाह और भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये इंसानियत का काम करने का मौका दिया। उस बच्चे की मुस्कान देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। बहुत जल्द जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आप लोगों के सामने ऑन कैमरा उसको ले आऊँगा और पूरे देश को दिखाऊँगा कि आप लोगों ने केवल एक छोटे से प्रयास से कितनी बड़ी ज़िंदगी को बचाया है। ए 2023 शुरू हुए अभी कुछ घंटे ही बीते हैं, चेहरों की मुस्कान बन चुकी है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। विश्व के साथ मेरे भारत के तमाम लोगों को विनय दुबे अपनी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही बरकरार रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका परिवार सुखी रहे, सारी सुख समृद्धि आपके घर में भर भर के आए, यही प्रभु चरणों में कामना विनय दुबे करता है। 2-3 दिन पहले से लगातार सोशल मीडिया और व्हाट्सअप के माध्यम से एक मैसेज तैर रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि हम 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में हमारा जो नया वर्ष होता है वो 22 मार्च 2023 को गुड़ी पाड़वा के दिन मनाया जाएगा। ये ठीक है, मनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाएं, लेकिन 1 तारीख को अगर हम किसी को नया साल विश कर देंगे तो हमारा सनातन धर्म और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। बताइए, इनका सनातन धर्म और संस्कृति इतना कमज़ोर है कि अगर हम किसी को बधाई संदेश दे दें या किसी को नया साल मुबारक बोल दें या हैप्पी न्यू ईयर बोल दें तो उनका सनातन धर्म और संस्कृति का खात्मा शुरू हो जाएगा। इतने बड़े बकचोदी ये लोग लाते कहाँ से हैं? और एक बात बताइए भाई साहब, जिन्होंने भी ये मैसेज या व्हाट्सअप पे वीडियो बना के जिन्होंने भी ये चीज़ फैलाया होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नहीं विश करने से या आप किसी को नया साल मुबारक नहीं बोलने से या हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलने से किसी को कुछ घंटा फर्क पड़ता है क्या? क्या कैलेंडर नहीं बदलेगा? नया साल नहीं शुरू होगा? आप भी तो तारीख लिखते हैं ना, तो आप भी हिंदी में सनातनी धर्म में तारीख लिखा करें। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से क्यों तारीख चेकों पे डालते हैं आप? चेक पे अपने सनातन धर्म के हिसाब से आप तारीख डाल के उसको डिपॉजिट करिए, आपको कसम है आपके सनातन की। आप ही लोग इसको अलग तरीके से ले जाएंगे। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जो कैलेंडर है उसे सनातन के हिसाब से कर दिया जाए, ताकि हमारे सनातनी भाई है जो कि कल तक दोपहर तक जो ज्ञान दे रहे थे कि हमारा जो नव वर्ष है मार्च में होगा, वो कल रात को डीजे के धुन पे नाच रहे थे डग 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 डग, हाथ में जाम लिए होते गटा गट पैक चला रहे थे जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी उठेंगे तो फिर ज्ञान खोदना चालू करेंगे, लेकिन तब तक देश के अंदर शांति है, क्योंकि ये जो ज्ञान देने वाले कल तक ये कह रहे थे कि हमारा नया साल हम 1 जनवरी नहीं मनाएंगे, वही कल सड़कों पर उतर उतर के नंगा नाच कर नाचे हैं। यही दोगलापन इस देश को खत्म करते जा रहा है। एक तरफ आप कहोगे कि हम नहीं मनाएंगे और दूसरी तरफ शाम को नंगा नाच करोगे। बियर का बोतल इतना पी लिया है कि अभी तक उठे नहीं है, घर वाले परेशान हैं वो अलग से, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नया साल का विरोध करने वाला लौंडा आज दारू पी के बियर पी के बेहोश खाए पड़ा हुआ है। खैर, विषय वो आज का नहीं है। नए साल की शुभकामनाएं देने के बाद आज आपको एक खुशखबरी देनी थी। आपको याद होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक मुहिम चलाई थी 15-20 दिन पहले। एक 3 साल की बच्ची जिसको खून की उल्टियाँ होती थी, वो लगातार बेहोश हो जाती थी, उसको तकलीफ थी, उसके पिताजी भी नहीं है, एक करंट लगने की वजह से कोरोना काल में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। 29 साल की बेसहारा माँ उसके इलाज के लिए दर दर भटक रही थी। एक अस्पताल के बाहर उसको रोते हुए हालत में मेरे एक मित्र ने देखा और उसकी पूरी जानकारी मैंने सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ साझा की, उसके मदद की अपील की। उस बच्ची को 9.5 लाख के आसपास के 3 इंजेक्शन लगने थे, जिसमें से 2 इंजेक्शन सफलपूर्वक लग चुके थे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंजेक्शन का जो मामला है और इस मुस्लिम बच्ची का जो संबंध है वो जुम्मे से क्यों है। मैंने बहुत कोशिश की कि इंजेक्शन बुधवार को लग जाए, गुरुवार को लग जाए, शनिवार को लग जाए, रविवार को लग जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो सारे के सारे इंजेक्शन एक एक हफ्ते के अंतराल पे 3 इंजेक्शन उस बटिया को लगे, वो सारे के सारे जुम्मे के दिन लगे। सुबह 11:30 बजे एक इंजेक्शन लगा, दूसरा 1:30 बजे लगा, तीसरा जो लगा वो भी लगभग 1:30 बजे लगा था, जो 30 दिसंबर को आखिरी तीसरा इंजेक्शन लगा, सफलपूर्वक इंजेक्शन उसको पूरे हो गए।
अभी तक जो पैसे जमा हुए करीबन 8.25 लाख रुपए के आसपास इसके इलाज के लिए जरा पैसे जमा हुए और उसका इलाज इस समय सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बच्ची को ना लंबी उम्र दे, हो सके तो इस बच्ची को मेरी भी उम्र दे, क्योंकि इस बिटिया का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत और हमारे देश में जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है उसके सामने हम लोगों ने मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए प्रार्थनाएँ की। कितने ही लोगों ने इस बच्ची के लिए ज़िंदा रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए नमाज़ पढ़ी। हम हिंदू भाइयों ने कितनी ही प्रार्थनाएँ, कितनी ही आरतियों में इस बच्ची के लिए प्रार्थना की, दुआएँ की, कि कहीं ना कहीं उसका असर है या जो 3 इंजेक्शन पूरे हो गए। लेकिन हमारी मुहिम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इस बच्ची के आगे के भी इलाज चलने हैं, इसके बच्ची के आगे की दवाइयों के खर्चे हैं, इस बच्ची का कोई सहारा नहीं है। 29 साल की एक बेवा औरत जो अपनी भरी जवानी के अंदर विधवा हो गई, उसको समाज ने नोचने से लिए कोई भी रहम नहीं किया। जिस दरवाजे पे उसने मदद के लिए माथा टेका वहाँ पर उसके आबरू के साथ सौदा करने की कोशिश की गई। इस बच्ची की मुहिम अगले जनवरी तक चलेगी। 3 इंजेक्शन सफलपूर्वक लग चुके हैं। जो पहाड़ जैसा हमारा एक मुहिम था, मकसद था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी 1.25 महीने का भी इनका ट्रीटमेंट चलना है, जिसमें करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास लगना है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें मदद कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे पहले इंजेक्शन, दूसरे और तीसरे इंजेक्शन तक मैंने और आप तमाम लोगों के सहयोग से पहुंचा है, आगे भी उसका इलाज ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप मदद करना चाहेंगे तो इस एक पूरी मुहिम में थोड़ी सी राहत और रहमत इस बच्ची के लिए ऊपर हो सकती है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने दिनचर्या में से जो आप डेली खर्चा करते हैं, चाहे वो पान बीड़ी में हो, सिगरेट में हो, चाहे कोई अन्य खर्चों में, अगर छोटी सी राशि अगर इस बच्चे के नाम पर आप निकाल दें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। उस बेवा औरत के आँख के आंसू पोंछ सकते हैं आपके इस छोटे से प्रयास से। एक बार फिर आप लोगों से आखिरी बार ये मुहिम के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ और लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस बच्ची की मदद के लिए, इसके इलाज के लिए, इस बेवा माँ की मदद के लिए अगर आप आर्थिक मदद दे सकते हैं तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9004929313 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। स्कैन कोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और फ़ोनपे या बाकी अगर स्कैन कोड्स के इस्तेमाल से अगर आप भेज रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक एरर दिखाता है कि सिक्योरिटी कारणों से आपका पैसा नहीं भेजा जा सकता। सोचिए इस देश में नफरत करने वालों कितने हरामी और कितने नीचे स्तर पर चले गए हैं। एक मदद करने वाला नंबर जिसमें स्कैन कोड है, इसको भी रिपोर्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया है, ताकि जो पैसा है वो आर्थिक मदद लोगों तक, जो ज़रूरतमंद है, उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन आप इस मैसेज को अवॉइड कर सकते हैं, आप इसके बाद भी प्रयास कर भेज सकते हैं। अगर फ़ोनपे के स्कैन कोड पर नहीं जा रहा है तो पेटीएम UPI नंबर और बाकी स्कैन कोड्स हैं, UPI IDs हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रयास नए वर्ष के शुरुआत के दिन में पूरे साल आपको ये एहसास करा के रखेगा कि आपको जो ऊपर वाले ने मानव का तन दिया है उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक सुकून होगा, एक शांति आपके दिमाग में और दिल में ज़रूर होगी कि एक स्टार्टिंग के साल के दिन ही आपने किसी ज़रूरतमंद के आंसू पोंछे हैं। और यकीन मानिए, ये करने के बाद यहाँ से दिल से सुखी और एक सुकून का एहसास होता है। आज मैं अपनी बच्ची को जब देखता हूँ तो उस बिटिया की मुझे याद आती है, और कहीं ना कहीं वही पीड़ा थी। इस मुहिम को लगातार मैं करीबन 15-20 दिनों से चला रहा हूँ। अब पूरा विश्वास है कि उसे ठीक कर ही मैं दम लूँगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय उसके। और मुझे ये भी विश्वास है कि बिना उसके आशीर्वाद, मदद के ये मुमकिन भी नहीं था। तो सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले, ऊपरी ताकत को, भगवान को, अल्लाह को मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक माध्यम बनाया मुझे और ये शुभ कार्य मेरे हाथों से आप लोगों के माध्यम से करवाया। उसके लिए मैं इस ऊपर वाले परवरदिगार, अल्लाह और भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये इंसानियत का काम करने का मौका दिया। उस बच्चे की मुस्कान देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। बहुत जल्द जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आप लोगों के सामने ऑन कैमरा उसको ले आऊँगा और पूरे देश को दिखाऊँगा कि आप लोगों ने केवल एक छोटे से प्रयास से कितनी बड़ी ज़िंदगी को बचाया है। मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अभी तक इस मुहिम में आर्थिक मदद की है। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करूँगा जिसने इस बच्ची के ज़िंदा रहने के लिए दुआएँ की, प्रार्थना की। उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे साथ दिया और इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप तमाम लोगों को, इंसानी जज्बे को विनय दुबे दिल से धन्यवाद करता है। आगे वीडियो बहुत जल्द आएगी। कल 2 जनवरी है, कल तेलंगाना के वो जो टी राजा है, काला लेंडू, उसकी रिलाई का दिन है। तो आप इंतज़ार करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस बच्ची के ठीक होने के, स्वस्थ होने के लिए दुआएँ करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड TV।